Hi Fragrance family, I hope you all are doing great and are in best of your health. This is Gaurav from Splash Fragrance India back with another fragrance review. This time we are at Beatles Ashram Aka 84 Kutia in Rishikesh and we have this exclusive fragrance called as Ajmal Mukhallat Al Shams as a talk of honor. But before that, let me show you the place around. Aap agar yahan ka view dekhoge, thoda sa foresty feel hai. ये बेसिकली यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे यहाँ पे और काफ़ी ही साल पुराना है, ऑलमोस्ट इट इज़ 50-60 ईयर्स ओल्ड. एंड व्हेन वी हैव अ लुक एट दीज कुटियाज, यहाँ पे बेसिकली जो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला था दैट वाज बिकॉज द बैंड बीटल केम हियर एंड दे डिड मेडिटेशन एंड दे स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम आउट हियर. तब से इस प्लेस को काफ़ी ही ज़्यादा रिकग्निशन मिली और अभी तो ये प्लेस काफ़ी कमर्शियल कर दिया गया है. अगर आप इनके कुटिया अगर आप देखोगे जहाँ पर ये लोग मेडिटेट करते थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ है, पेबल्स लगे हुए हैं. और एक आपको अगर एक कुटिया की हम लोग बात करें तो उसमें आपके दो फ्लोर्स हैं. प्लीज़ हैव अ लुक हियर, बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ है ये. मैं आपको अंदर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा नीट नहीं है, बट आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट. कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस अजमल मुखल्लत अल शम्स, इट्स अ वेरी गॉर्जियस ऊथ फ्रेग्रेंस. और इसकी बात करने से पहले मैं बता दूं, अजमल बेसिकली एक मिडिल ईस्ट ब्रांड है. इनके जो ओनर हैं वो आसाम से बिलोंग करते हैं और जैसे कि आप सब जानते होंगे ऊद इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है. आसाम एरिया में ऊद काफ़ी ही हैवी क्वांटिटीज में मिलता है, काफ़ी ही एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है परफ्यूमरी में. और अजमल ने अभी आई थिंक इन्होंने पूरा इंटरनेशनली बहुत ही अच्छा रिकग्निशन फॉलो किया है. इनके जो ऊद के फ्रेग्रेंसेज हैं बहुत ही अच्छे हैं. इनकी जो रेगुलर लाइन है जैसे दहनल ऊद शम्स, मुखल्लत अल शम्स, फिर इनकी दूसरी लाइन है हथकोरा वुड, ऊद डिज़ायर, सैंटल वुड, ये सब ने भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी क्रिएट की है. और द टॉप ऑफ ऑनर इज़ मुखल्लत अल शम्स बिकॉज ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, अगर आप फ्रेग्रेंस लवर हो और जिसने ऊद के फ्रेग्रेंसेज ट्राई नहीं किए हैं तो दिस कैन ईजिली बी योर एंट्री लेवल ऊद फ्रेग्रेंस. और बात करने से पहले मैं दिखा दूँ, ये एक बहुत ही सिंपल सी बॉटल में आता है. बहुत क्वालिटी ऑफ बॉटल इज़ नॉट दैट ग्रेट. इनका जो कैप है डिज़ाइन अच्छी है बट वो प्लास्टिक की फील देता है. बॉटल थोड़ी सी आपकी सर्किल सॉर्ट ऑफ शेप में है, थोड़ा सा बॉटल में एम्बॉसिंग है. रीगल है बॉटल बट उन्होंने जो प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है. ये मेरी यूज बॉटल है फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा पेंट उखाड़ा है, बट स्टिल इट इज़ गुड फॉर द प्राइस पॉइंट. स्प्रेयर इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ गुड, एक प्रॉपर मिस्ट देता है परफ्यूम का. नाउ कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस गाइस, ये फ्रेग्रेंस बेसिकली जो आपका प्योर ऊद ऑयल होता है उसको इन्होंने इनकैप्सुलेट किया है. व्हेन वी से मुखल्लत, मुखल्लत मींस ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस. सो गाइस इसमें जो ऊद है ऊद को इन्होंने काफ़ी स्पाइसेस के साथ में ब्लेंड किया है. इसमें आपका एक नोट मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लोरल नोट आता है, इसमें लेदर का नोट है, बहुत ही एम्ड अप बट बहुत क्लीन है. ये बार्नयार्ड होने के बाद भी बहुत ज़्यादा फीकल नहीं स्मेल करता है. आप इसको कभी भी लगाओगे तो इसको लगाने पे बहुत ज़्यादा ऑब्नॉक्शियस नहीं फील होगा. यू विल फील दैट यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी रीगल. और मुझे जब मैंने पहली बार इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया था तो मुझे एकदम से मुझे इसने दुबई ट्रांसपोर्ट कर दिया, बिकॉज दुबई में जब आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली यूज़ ऊद फ्रेग्रेंसेज आउट देयर एंड दिस वन इज़ नो एक्सेप्शन. बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है, 6,250 रुपीज़ का आता है 50 ml, विच इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव. बट गाइज अगर आप ऑथेंटिक ऊद की स्मेल चाहिए तो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली वर्थ हैविंग. और एक बात और है कि अगर आप फुल बॉटल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो यू कैन गो फॉर एन ऑप्शन ऑफ सैम्पल्स डीकैंट्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू सेव द मनी एंड यू कैन एक्चुअली रिलीज द फ्रेग्रेंस एज इट इज़ एंड यू विल बी एक्चुअली मेस्मराइज्ड. When we talk about the longevity as well as the projection, this one projects for odd 5-6 hours in winters and the lasting on my skin went for more than 10 to 14 hours. So guys, that is actually enormous when we talk about a design of fragrance. A good offering and this is something you should not miss. And that's it for now guys. If you like this video, don't forget to hit like, share and subscribe. And also do let me know your views about this fragrance if you have ever tried. Thank you so much guys. Take care. Bye-bye.